नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आज बात करते हैं एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में जो करने से आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के चांसेस को बहुत कम कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि आप या मैं जहां भी अपनी जिंदगी के किस मोड पे खड़े हैं वो हमने चूज किया है, वो हमारी चॉइस थी एट कॉन्शियस लेवल और एट अ सबकॉन्शियस लेवल। मैंने ये चूज किया है कि मैं आज जिंदगी के किस पड़ाव पे खड़ी हूं, और इसी तरह से मैं मानती हूं आपने भी ये चूज किया है। लेकिन कई बार जिंदगी में हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कौन सी चॉइसेस गलत कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी को पीछे लेके जा रही हैं या हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने से हमें रोकती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी चीज है, वो है व्हेन यू स्टार्ट टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। जब हम अपने आप की तुलना दूसरे लोगों से करनी शुरू कर देते हैं, हम ये नहीं रियलाइज कर पाते कि ये तुलना करने से हमारी जिंदगी में कितनी 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 बाधाएं बढ़ती हैं। तो आज उन तीन चीजों के बारे में बात करते हैं कि अगर आप वो तुलना अपनी करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो आपकी जिंदगी में कितनी बाधाएं बढ़ती हैं। जब हम ये जानते हैं कि ये चीज हमारे लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, तब हम कोई एक्शन लेते हैं उसको सुधार करने में या उस चीज को छोड़ने में। तो ये एक वीडियो जो मैं बना रही हूँ, एक इस इंटेंशन से बना रही हूँ कि आपको इस बात का अंदाजा हो कि जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या होता है। पहली चीज, नेगेटिव चीज, जब आप किसी और से तुलना अपनी करते हैं। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, एंड एज अ वुमेन मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा अपनी तुलना किसी से करते हैं, तब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को भूल जाते हैं कि जो हमारी एनर्जी, जो हमारा टाइम, जो हमारी इंटेंशंस हमें अपने गोल पे, अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में करनी चाहिए, वो टाइम हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो वो टाइम हमारे हाथ से निकलता जाता है। हम जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, हम एक स्किल सीखना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई में करना चाहते हैं, हम अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें टाइम की आवश्यकता है, हमें उसके लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में अपने आप को दूसरों से तुलना करने में समय व्यतीत करते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होता है। आपके पास वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो घंटे या वो मिनट या वो क्षण जो आप अपनी डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, जब आप किसी और के ऊपर अपनी सारी एनर्जी व्यतीत कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं और उस समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं करते, तो आप अपनी ही जिंदगी में एक बाधा बना देते हैं। तो अपने टाइम को दूसरों के साथ कंपेयर करने में या तुलना करने में जो आप बर्बाद करते हैं, आप अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं जिसको यूज करके आप बेटर बन सकते थे। दूसरी चीज, जब हम किसी के साथ अपनी तुलना करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हमें लगता है हमारे पास तो ये है ही नहीं, हमारे पास तो ये क्षमता ही नहीं है कि हम इसको बेटर कर सकते हैं। आई डोंट हैव द स्किल सेट टू बी बेटर देन दिस पर्सन, आई डोंट हैव द स्किल सेट टू एक्सेल, आई डोंट हैव द क्वालिटीज टू एक्सेल, आई डू नॉट हैव द बैंडविड्थ टू एक्सेल। जब हम एक ऐसे नेगेटिव मोड में डालते हैं तो हम कहीं पर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना शुरू कर देते हैं। I start to forget that I am a living miracle. मैं ये भूल जाती हूँ कि as a woman मेरे में इतनी ताकत है कि जो मैं चाहूँ, जिस बुलंदी पे मैं चाहूँ उतर सकती हूँ, उन ऊंचाइयों को छू सकती हूँ, क्योंकि मैंने consciously अपने आप को दूसरे से तुलना करके अपनी बुलंदी की जर्नी में खुद ही एक रोड़ा बन गई हूँ। क्योंकि कहीं पे वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव डायलॉग जो अपने आप को बोलती रहती हूँ, उनके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उनको देखो उनकी फैमिली इतनी अच्छी है, उनके फादर इतने सपोर्टिव हैं, उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं, उनका बॉस इतना सपोर्टिव है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। व्हेन यू स्टार्ट टू गेट इन टू दैट स्पेस ऑफ नेगेटिविटी, व्हेन यू स्टार्ट नॉट टू बिलीव इन द क्वालिटीज एंड द स्किल सेट दैट यू हैव, यू सेट योरसेल्फ अप टू जेलसी। और जेलसी बहुत ही नेगेटिव इमोशन है। जेलसी हम जब किसी और की तरफ एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं लोअर करते हैं। जेलसी इंस्पिरेशनल बहुत कम बार होती है, बहुत कम लोगों में ये मादा होता है कि किसी के सक्सेस को देख के
वो इंस्पिरेशन लें और कहें अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जेलसी से अपने आप को सराउंड करने में आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपने अंदर जो एक पॉजिटिव ईगो है उसको आप बिल्कुल डाइल्यूट कर देते हैं। तो ये तो एक और सेकेंड इम्पैक्ट होता है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। तीसरी चीज, जब हम दूसरे को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी लाइफ में एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। बेसिकली आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी अंतरात्मा को ये सुनाते हैं लोगों से अपने आप की तुलना करने के लिए कि मेरी में कोई भी क्षमता नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी, अपने गोल्स अचीव कर सकूं, अपने स्किल सेट अचीव कर सकूं। आप अपने गोल्स, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी पॉजिटिविटी, अपना ऊपर जाने का जो जरिया है, अपना सक्सेसफुल करियर का या सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ का जो जरिया है, उन सब पे आप बड़े बड़े ताले लगा देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ये कहानी सुनाते हैं कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं। आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुल डाउन करते हैं, यू कॉन्स्टेंटली बिलिटल योरसेल्फ, यू कॉन्स्टेंटली पुल योरसेल्फ डाउन बाय नॉट फोकसिंग ऑन द पावर एंड द स्ट्रेंथ दैट यू हैव। यू आर पुटिंग योर एनर्जी आउट देयर बाय सेइंग दुनिया मेरी दुश्मन है, लोग मेरे दुश्मन हैं, घर वाले मेरे दुश्मन हैं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जब हम अपनी जिंदगी में कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ये आपकी चॉइस है, ये आपको सोचना है कि आप अपनी जिंदगी को कहाँ लेके जा सकते हैं। बाधाएं हर एक की जिंदगी में आती हैं, जो लोग उन बाधाओं से जूझकर उनसे ऊपर उठते हैं वो अपनी जिंदगी का कुछ और करते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपनी ही रोना रोते रहते हैं कि हाय कुछ नहीं होने वाला मेरी जिंदगी में। दे डू नॉट टेक चार्ज, दे फाइंड एक्सक्यूजेस इन लाइफ एंड रिफ्यूज टू टेक चार्ज एंड से अरे दिस इज बिकॉज ऑफ एन आउटसाइड फोर्स। मेरी जिंदगी में जो हो रहा है उसको तो मैं कंट्रोल ही नहीं करती, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो मेरी किस्मत हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरा बॉस हो, सब कोई मेरे से अलग खड़े होके सिर्फ उनका जिंदगी का एक ही मकसद है मुझे नीचे गिराना। तो आप अपनी जिंदगी में क्या चॉइस क्रिएट करेंगी, आप अपनी चीज जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगी, क्या आप हिम्मत से काम लेंगी और ये कहेंगी मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खुद कर सकती हूँ, या आप अपनी जिंदगी के बारे में ये कहेंगी कि मेरी जिंदगी का दारोमदार तो मैंने बाकियों पे छोड़ दिया है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बाधाएं ज्यादा बढ़ाते हैं। और ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, कमेंट्स दीजिए कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं या नहीं। नहीं करते हैं तो ग्रेट, और अगर करते हैं तो उसको कम करने की या बंद करने की कोशिश जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।